नमस्कार अभिनंदन। प्यारे बच्चों, समय बहुत अमूल्य है और हमें समय की कद्र करनी चाहिए। अपना हर काम समय पर करना चाहिए। समय पर करने वाले व्यक्ति के साथ समय भी चलता है, अर्थात जो व्यक्ति समय पर कार्य करता है, समय भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। जबकि ऐसा ना करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने समय को ही खराब बताता है। समय को हम कई प्रकार से देखते हैं। दिन के अनुसार बात करें तो प्रातःकालीन समय, अपराह्न का समय, संध्याकालीन समय, रात्रि का समय। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वह है घटिका ज्ञानम, अर्थात घड़ी का ज्ञान, घड़ी के अनुसार बताए गए समय का ज्ञान। संस्कृत भाषा में यदि आपसे कोई समय पूछता है, कह समय है, तो उसका उत्तर भी हमें संस्कृत में ही देना होगा। और संस्कृत में हम कैसे उत्तर देंगे उसे ही हमें आज जानना है। आप सभी जानते हैं कि समय को चुनमुन, तुझे आज हो क्या रहा है? तू इतनी तेज तेज क्यों बोल रही है? और उसे हम किस प्रकार से बोलते हैं वह हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, रात के 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक का समय प्रातः, और 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का समय शाम का समय माना जाता है। इसके अंतर्गत अगर हमसे कोई समय पूछता है तो हम संस्कृत में निम्न प्रकार से बोलते हैं। मैं आपको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों में समय बोलकर बताऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से हम समय बोलेंगे। 1 बजे, 1 o'clock, 1 vadanam। 2 बजे, 2 o'clock, 2 vadanam। 3 बजे, 3 o'clock, 3 vadanam। 3 बजे, 3 o'clock, 3 vadanam। 4 बजे, 4 o'clock, 4 vadanam। 5 बजे, 5 o'clock, 5 vadanam। 6 बजे, 6 o'clock, 6 vadanam। 7 बजे, 7 o'clock, 7 vadanam। 8 बजे, 8 o'clock, 8 vadanam। 9 बजे, 9 o'clock, 9 vadanam। 10 बजे, 10 o'clock, 10 vadanam। 11 बजे, 11 o'clock, 11 vadanam। 12 बजे, 12 o'clock, 12 vadanam। इस प्रकार हम प्रत्येक समय को संस्कृत भाषा में पढ़ना और लिखना सीखते हैं। एक बार पुनः दोहराएंगे। 1 vadanam, 2 vadanam, 3 vadanam, 4 vadanam, 5 vadanam, 6 vadanam, 7 vadanam, 8 vadanam, 9 vadanam, 10 vadanam, 11 vadanam और 12 vadanam। अर्थात यदि दोपहर के 12 बजे आपसे कोई पूछता है कह समय, तो आप कह सकते हैं 12 vadanam। प्रातः 8 बजे कह समय है 8 vadanam। 2 बजे 2 vadanam। इस प्रकार हम संस्कृत में समय बोल सकते हैं। और अब हमारा काम है कि हम इसे बोलने का अभ्यास करें और साथ ही अपनी उत्तर पुस्तिका में भी
इस प्रकार की घड़ियां बनाकर और इस प्रकार यह कार्य हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। प्यारे बच्चों, घटिका ज्ञानम के पश्चात अब हम प्रारंभ करते हैं एक दूसरा विषय जिसे हम पहले भी कर चुके हैं और अब हमें अगले पाठ्यक्रम के लिए कुछ नए नाम सीखने हैं। कुछ नए नामों के अंतर्गत सीखने से पहले आवश्यक है कि हम पूर्व ज्ञान को भी जान लें। अपने पिछले पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने रंगों के नामों को जब जाना था तो कुछ रंगों के नामों को सीखा था। उन्हीं के अंतर्गत हम कुछ नए नाम इस नए पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे और उनका उच्चारण लेखन सीखेंगे और उन्हें समझेंगे, और वह विषय है रंगों के नाम। तो आइए फिर से प्रारंभ करते हैं पुनः पुनरावृत्ति के साथ नवीन रंगों के नाम। ये है लाल रंग अर्थात रेड, रक्त है। दूसरे रंग की तरफ बढ़ते हैं, पीला रंग येलो अर्थात पीतह। अब हमने लाल रंग में रक्त है पढ़ा, तो आप बता सकते हैं कि रक्त है वर्ण है, कस्य फल है, ये कस्य फल है, किस कौन सा फल है, किम फलम, रक्त है वर्ण है। जी हाँ, दाडिमम, किम फलम, दाडिमम। इसी प्रकार जिस भी रंग को आज हम यहाँ संस्कृत में लिखना सीखेंगे उसकी एक वस्तु का चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य चिपकाएंगे। दूसरा रंग पीला पीतह, पीला पीतह। नीला आकाश, नीलह नीलह, नीला ब्लू। हरा, हरियाली का प्रतीक, ग्रीन कलर, हरितह हरितह। गुलाबी रंग पिंक, पाटलह पिंक, पाटलह गुलाबी। काला रंग ब्लैक, कृष्ण है। गजह, पशुओं के नाम प्रारंभ हो गए हैं, अब इन्हीं पशुओं के नामों को हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे। हाथी, धेनुह गाय, धेनुह गाय। वृषभ बैल, कपोतह कबूतर। पशु पक्षियों के नामों के अंतर्गत आप सीख रहे हैं संस्कृत में पशु पक्षियों के नाम, गजह हाथी, धेनुह गाय, वृषभ बैल, कपोतह कबूतर, मयूर है मोर, काके है कौवा, श्येन है चील, राजहंस है हंस, वर्तक है बत्तख, वर्तक है बत्तख। एक बार और इन्हें दोहराएंगे, वर्तक है बत्तख, राजहंस है हंस, श्येन है चील, काक है कौवा, मयूर है मोर, कपोत है कबूतर, वृषभ है बैल, धेनु है गाय। इसके पश्चात गजह हाथी, और अब दोबारा रंगों के नाम। कृष्ण है काला, पाटल है गुलाबी, हरित है हरा, नील है नीला,
पीत है पीला, रक्त है लाल। इस प्रकार हमने लघु व्याकरण के अंतर्गत इन विभिन्न शब्दों को संस्कृत में सीखा और अब हम जब इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में पीडीएफ के माध्यम से लिखेंगे तो पीडीएफ में हमारे जितने भी शब्द हमें मिलेंगे हम उन्हें लिखेंगे और साथ ही साथ उन चित्रों के चित्र भी चिपकाएंगे और यदि चित्रों की उपलब्धता ना हो पाए तो आप उन्हें अपने हाथों से भी बना सकते हैं और बहुत ही अपनी क्रियात्मकता को इस कार्य में दिखा सकते हैं, जिससे आपका कार्य न केवल आकर्षक होगा बल्कि आपको सीखने में और समझने में मदद भी करेगा। अनेकों शुभकामनाओं के साथ आज